हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, करण ठाकुर व्लॉग्स में। तो चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, हम आज जिस जगह पर जा रहे हैं हम आपको उस जगह की थोड़ी सी क्लिप दिखा देते हैं। हेलो गाइस, जिस जगह को आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल डगर की लोकेशन है। ये हमारा बचपन का स्कूल है जहाँ पर हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो गाइस चलो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमारे स्कूल का नज़ारा। तो गाइस ये हमारा स्कूल को जाने का रास्ता है। तो अभी देखो, आप देख सकते हो इधर ऊपर, अभी हमारे 15-20 मिनट लगेंगे। तो हम नीचे से आ रहे थे, बहुत ही थक लगी है हमें, हम बहुत ही थक चुके हैं। तो गाइस इस साइड की लोकेशन देख सकते हो, अभी देखो कल बारिश हुई थी, ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ भी पड़ गई है ऊपर, देखो आप देख सकते हो। तो गाइस बहुत ही थक लगी है हमें, तो अब हम ऊपर जाके ही आपको सब कुछ दिखाएंगे। अभी तो हम बहुत ही थक गए हैं हम। तो गाइस चलते हैं और फिर दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। तो हेलो गाइस, अब हम पहुंचने ही वाले हैं, 5 मिनट का रास्ता बचा है अब हमारा ऊपर का। तो हम अब ऊपर जाके आपको दिखाएंगे अपने स्कूल का नज़ारा। तो हम फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हो नीचे का, कितना अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो आप इधर ये देखो। तो ये हमारे स्कूल का ग्राउंड है, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है। तो इधर देख सकते हो आप। तो गाइस देखो, आप इस देवदार के दरख्त को देख सकते हो, काफ़ी पुराना देवदार का दरख्त है ये। तो मुझे पता नहीं है इसकी एज कितनी है, लेकिन जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके मुताबिक इसकी एज लगभग 1000 साल प्लस है। तो अभी आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराना देवदार का दरख्त है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो के दरख्त है ये सभी इस बड़े देवदार की देन है। तो आप देख सकते हो इस साइड का नज़ारा, ये देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा है इस जगह का, ये देख सकते हो आप। ये देखो ये हमारे ग्राउंड का गेट है जहाँ से हम एंटर करते थे ग्राउंड में मॉर्निंग असेंबली के लिए। तो इस साइड देख सकते हो जहाँ पे हमारी क्लास भी लगती थी इस जगह पे बैठ के। अभी तो बहुत ही गंद पड़ा हुआ है इधर ये, क्योंकि अभी स्कूल बंद है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से जो ऊपर से गिरता रहता है, तो उसकी वजह से ये देखो इधर काफ़ी गंद पड़ा हुआ है। तो अभी देखो ये हमारे स्कूल का गेट है, तो अभी मैं इसको खोल के अभी मैं अपने सारा स्कूल दिखाऊंगा आपको। तो गाइस गेट को खोलो, ये साइड खोलेगा। तो ये देखो ये हमारा स्कूल है। तो ये देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा है इस जगह का। इधर से नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इधर से नीचे, ये देखो कितनी अच्छी सीनरी है इधर से। ये देखो कितने कितने बड़े देवदार के दरख्त हैं। तो गाइस ये देखो ये हमारा स्कूल है। तो देखो ये हमारा क्लासरूम है। तो इधर हमारी क्लास लगती थी 10th में, हम इधर होते थे, अभी तो इधर लॉक किया हुआ है। और ये देख सकते हो ये हमारी लाइब्रेरी थी। तो इधर हमारे हम लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह लेनी हो तो इधर एंटर करते थे। उसके बाद ये हमारा आ गया किचन, इधर किचन था हमारा। इधर तो हमारे 9th 10th के लिए अलाउ नहीं था खाना, लेकिन इधर देते थे हमारे स्कूल में, थोड़ा थोड़ा मिलता था लेकिन मिल जाता था सभी को। और मेरे को भूख बहुत लगती थी, तो मैं क्या करता था कि मैं जो बूटी होता है मैं उसके साथ बैठ जाता था, तो आके फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मिलता था और उसके बाद मैं बहुत खाता था। तो गाइस ये इधर देख सकते हो ये ऑफिस आ गया आप इस साइड ये हमारा ऑफिस है। ये देखो आप देख सकते हो इधर, ये देखो देख सकते हो इधर आप। अभी तो इधर देखो ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ये पता नहीं कितने दिन की पड़ी हुई है, ये पहले पड़ी थी, पिछले मंथ पड़ी थी, तो अभी तक पिघली नहीं है। ये देखो इधर देखो, बहुत ही अच्छी सीनरी है इधर से, बहुत ही अच्छा नज़ारा है आप देख सकते हो। इधर देखो ऊपर पहाड़ी में देखो, अभी बर्फ़ पड़ी हुई है, रात को भी पड़ी थी बर्फ़। और
ये देख सकते हो आप पीछे, ये जो मंदिर है, ये ज्वाला माता का मंदिर है। तो ये ज्वाला माता का मंदिर है हमारे। तो ये वाला ट्रैक था, इधर से हम आते थे, ऐसे तो हम नीचे से एंटर करते थे, लेकिन ये जो मेन ट्रैक था ये हमारा ये था, इधर से इस रास्ते से आते थे हम। तो ये हमारा मेन ऑफिस था हेड मास्टर का। तो ये देखो जो भी मीटिंग होती थी स्कूल वगैरह की, सभी इसी रूम में होती थी। तो हम थोड़ा पीछे वाला भी दिखा दें, तो इधर देख सकते हो आप, देखो इधर देखो आप, देख सकते हो इधर भी, देख सकते हो नीचे, ये देखो कितनी चढ़ाई है, ये देखो। बट हम कहाँ मानते थे, हम तो छोटे छोटे होते थे, तो इधर लड़ाइयाँ वगैरह करते थे डेली, इधर से ऊपर चढ़ना। ये देखो गाइस आप देख सकते हो इधर। तो ये हमारा स्कूल था, हमारी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई है हमारे स्कूल के साथ। जो हमारे बचपन के फ्रेंड थे अभी तो कोई भी नहीं है, सभी अपनी अपने जगह पे बिजी है, कोई कहाँ पे है तो कोई कहाँ पे है। तो गाइस आप देख सकते हो इधर, तो जो भी हमारे स्कूल के फ्रेंड थे, अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो इसको पूरा देखना और आप भी इसका नज़ारा लेना फिर से दोबारा से। ये देखो इधर से देखो, हम इधर अब बैठ के इधर बैठते थे हम, तो इधर से हम देखो नीचे का नज़ारा दिखता है इस साइड का, बहुत ही काफ़ी ऊंचा है, इधर से डर भी लगता है नीचे को देखने के लिए। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह का नज़ारा था हमारे स्कूल का। मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था स्कूल को, तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड है इधर से, मैंने उसको बोला कि मैं अपने स्कूल को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अभी मैं घर भी आया हुआ हूँ, तो चलो क्यों ना हम अपने स्कूल में जाएँ और फिर से उस स्कूल का आनंद लें। आप देख सकते हो इधर से। तो गाइस कुछ इस तरह का नज़ारा था हमारे स्कूल का। तो जो भी हमारे स्कूल में था मैंने आपको सब कुछ दिखाया और आप लोगों ने आनंद भी लिया उसका। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए करण ठाकुर ब्लॉग्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।